नमस्कार दोस्तों, सबको मूवी स्पॉट का एक नया वीडियो में स्वागत है। और मैं आज आपके सामने एक नया मूवी का रिव्यू लेके आया है और उस मूवी का नाम है, बेसिकली ये एक एक्शन मूवी है और देखते हैं कि एक्शन है कि नहीं मूवी। सो बेसिकली इसमें एक्शन है, इतना 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 सारा एक्शन है और थोड़ा सा स्टोरी है। तो स्टोरी तो इतना ही है कि जो अपना टेलर, जो क्रिस हेम्सवर्थ का रोल है, कैरेक्टर है, तो उनका जो एक्स वाइफ है, वो एक्स वाइफ का जो सिस्टर है, सिस्टर अभी जेल में है। तो सिस्टर का फैमिली पूरा जेल में है, तो उसको वहां से निकलना है। तो देन वो जो काम है वो क्रिस को मिलता है, क्रिस वो काम निभाने के लिए निकल जाता है और साथ में अपने टीम को भी लेके जाता है। फिर वही है, सब वही बॉम्ब ब्लास्ट, वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, ट्रेन से जा रहा है, इधर से गोली मार रहा है, उधर से मिसाइल मार रहा है, सब कुछ है। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन सिंगल मूवी, इन वन सिंगल फ्रेम समटाइम्स। तो वो है, अगर तुम ज्यादा स्टोरी में घुसेगा तो कुछ है नहीं उसमें, बट फॉर एन एक्शन मूवी यू कैन वॉच इट। और अगर आपको देखना है तो आप बड़ा स्क्रीन में देख लीजिए, इट विल बी मोर फन। लाइक बड़ा स्मार्ट टीवी है तो उस पर देख लीजिए, मेरे पास बड़ा स्मार्ट टीवी नहीं है, फोन है तो फोन में मैंने देख लिया, पर उतना मजा नहीं आएगा। बट आई थिंक अगर टीवी में है तो और मजा आता, क्योंकि साउंड इफेक्ट सब कुछ है। लेकिन क्या अगर थिएटर में तो नहीं रिलीज हुआ है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का ही प्रोजेक्ट है तो उसी पर आता है। तो अगर थिएटर में है तो अलग बात होता था, बिकॉज इट हैज वेरी गुड विजुअल्स एंड एवरीथिंग, सो इन दैट वे आई एम सेइंग। बट एनी हाउ It's a really good movie in a way, like in the sense of action, I'm saying, not in the sense of like script level and everything. Script level, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। It's like action, 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 थोड़ा script, action, 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 थोड़ा dialogue, action, 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 थोड़ा emotion. Is that? That's it. उसके ऊपर कुछ है नहीं, उसके ऊपर हमें चाहिए भी नहीं है, उनको भी देना भी नहीं है, तो वो सीन है। तो फिर अगेन और थोड़ा सा जो सीन्स होता है उसमें थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्ट हो, हमें पता चलता है कैरेक्टर के बीच में, आई थिंक दैट्स इनफ। तो वो तो डिलीवर कर रहा है मूवी। तो एंड ऑन द होल आई कैन से इट्स अ गुड टू गो वीकेंड एक्शन मूवी, दैट्स इट। आपका इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी और समथिंग, बट मे बी आई कैन से इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी रिलीज्ड इन दिस लास्ट 3 months और 4 months और समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन वॉच इट फॉर श्योर, अगर आप एक्शन लवर है तो आप देख लीजिए। एंड वन मोर थिंग, इसका जो एक्शन कोरियोग्राफी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द biggest thing, like when you make an action movie, the action choreography should be good, like वो अच्छा होना चाहिए। otherwise तुम सिर्फ action ही देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, उसमें तुम्हें कुछ interesting नहीं हो रहा है ना। for example साहो movie था, उसमें पूरा action था, कुछ है नहीं। so like just an action, उसमें interesting चीज़ें होना चाहिए, तभी जाके मजा आता है इंसान को। तो इसमें ऐसा scenes है जो थोड़ा हमें थोड़ा सा kick देता है, okay। तो ऊपर से आ गया, लिफ्ट ओपन किया तो वहां से बॉम्ब फूटा, उधर से मिसाइल आया। एंड इवन इसका जो स्टार्टिंग सीन्स है तो वो पूरा एक वन शॉट में दिखाया है, लाइक आई थिंक स्टिचिंग विल बी देयर, लाइक एडिट पे स्टिच किया रहेगा, बट हमें वो फील देता है कि पूरा वन शॉट है। इट्स लाइक मोर देन 10 to 15 minutes वही सीन चलता है। सो ऑल दोस थिंग्स वेर रियली गुड, सो इन दैट वे ओके, इट्स वन टाइम वॉचेबल पॉसिबल, एंड या वॉचेबल पॉसिबल वॉचेबल मूवी। सो देखो नेटफ्लिक्स में, ओके। सो नेटफ्लिक्स एंड चिल। सो गाइस ए मूवी रिव्यू यहाँ पर समाप्त हो रहा है, नया मूवी रिव्यू लेके मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा। तब तक के लिए, ये नया चैनल है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए प्लीज़। कोई पैसा खर्चा नहीं होगा आपका, फ्री है, फ्री फ्री।